स्वास्थ्य देव धनंतरी जयंती के पूर्व संध्या पर गुरु गोरखनाथ मंदिर में स्थापित महंत दिग्विजय नाथ आयुर्वेद चिकित्सालय पर धनवंतरी जयंती समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, विशिष्ट अतिथि आयुर्वेद चिकित्सा के डायरेक्टर डॉक्टर सत्यनारायण सिंह, चिकित्सालय के प्रभारी डॉक्टर डीपी सिंह, पूर्व कुलपति प्रोफेसर यूपी सिंह सहित अन्य चिकित्सक और गणमान्य लोग मौजूद रहे। इस मौके पर चिकित्सकों ने भगवान धन्वंतरी का गुणगान करते हुए कहा कि वेदों में आयुर्वेद का जिक्र किया गया है। आयुर्वेद चिकित्सा हमारी पुरानी चिकित्सा पद्धति है, इसको आज के युग में लोग भूलते जा रहे हैं, लेकिन हम लोगों को यह चिकित्सा पद्धति अपनाने की जरूरत है। अपने संबोधन में समारोह के मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने धन्वंतरी जयंती पर अपनी शुभकामनाएं दी और कहा कि आयुर्वेद के प्रति समाज का रुझान बढ़ रहा है। चिकित्सा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में आयुर्वेद का कोई जवाब नहीं है। आयुर्वेद के चिकित्सकों को झिझक छोड़नी होगी और इसके प्रति जागरूक होना होगा। अपने संबोधन में सीएम योगी ने कहा, और आयुर्वेद चिकित्सा की महत्ता इसलिए भी है, धन्वंतरी का तो हम भगवान के रूप में मानते हैं, भगवान है, भगवान का अवतार है। अभी डॉक्टर आत्मा और रामगुरु जी ने बताया कि किस प्रकार हम कैसे अवतार के रूप में मानते हैं। और जब कोई भी चिकित्सक अपने सर्व आदर्श को प्राप्त कर लेता है तो वास्तव में वह ईश्वर का स्वरूप बन जाता है। जैसे ईश्वर सबके कल्याण सबकी चिंता करता है, वैसे ही चिकित्सक भी सबके स्वास्थ्य की चिंता करता है। और जब तक आदमी स्वस्थ नहीं है तब तक वह उसका जीवन बेकार है। सौभाग्य से चिकित्सा पद्धति इतना डेवलप कर गई है कि आदमी के जीवन की जो यात्रा है यह बहुत काफी लंबी बची चली जा रही है। बहुत अच्छा है। आपका हाथ हम सभी के बीच में परम पूज्य गोरक्ष पीठाधीश्वर और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी आ चुके हैं। मैं दिव्यनाथ आर्य चिकित्सालय गुरु श्री गोरक्षनाथ चिकित्सालय की तरफ से महाराज जी का स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। अपने बीच आर्वी चिकित्सक डॉक्टर एम एल चौरसिया जी, इधर हो जाइए, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए धन्वंतरी जयंती आजकल हम लोग भूल चुके हैं और इसके विकृत रूप में था, जो हमारे देश की चिकित्सा पद्धति है। आयुर्वेद एक जीवन पद्धति है, जीवन शैली है, जिसमें दिनचर्या का वर्णन है, ऋतुचर्या का वर्णन है कि कैसे हम सुबह उठें, कैसे हमको क्या क्या सुबह उठ के करना चाहिए, जो कि आजकल हम पाश्चात्य सभ्यता के आगोश में आकर भूल चुके हैं। ये हमारा अकेले ही दोष नहीं है, हमारा देश 1000 साल तक लगभग आक्रांताओं के से ग्रसित था, जिसके कारण हमारी जो चिकित्सा पद्धति है जिस प्रकार उसका विकास होना चाहिए वो नहीं हो पाया। वर्तमान में केंद्र में आयुष मंत्रालय का स्वतंत्र प्रभार हुआ और उत्तर प्रदेश में भी आयुष मंत्रालय अलग बना और स्वतंत्र प्रभार मिला। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में उत्तर प्रदेश में आयुष के विकास के लिए विभिन्न कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं और पिछले 6 महीनों में हमने आयुष आपके द्वार के माध्यम से, आयुष जन स्वास्थ्य के माध्यम से और स्कूल में स्वास्थ्य के लिए और वनौषधि प्लांटेशन के माध्यम से किसानों को वनौषधियों की सम्मेलन कराकर उनको ज्ञान देने के माध्यम से स्कूलों में आयुर्वेद का
हमारे चिकित्सक जा जा करके ज्ञान देने के माध्यम से इसको प्रचारित किया और आज की तारीख में आयुर्वेद जो अपना स्वरूप खो रहा था आपके निर्देशन में आपके संरक्षण में पुनः आगे बढ़ रहा है। ये प्रदेश का सौभाग्य है कि आपकी सरकार में आयुष विभाग के आयुष चिकित्सालय 50 बेड के प्रदेश में 16 बन रहे हैं, 400 के लगभग उनका उच्चीकरण हो रहा है। इस साल 124 करोड़ भारत सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार को दिया गया, जिसमें से 70 करोड़ रुपए आवंटित हो चुके हैं और उसकी दवाएं भी जो है प्रदेश के विभिन्न चिकित्सालयों में बांटी जा रही हैं। प्रत्येक आयुष चिकित्सालय को 2 लाख रुपए की दवाएं अब तक वितरित की जा चुकी हैं और इससे ग्रामीण क्षेत्रों में हमारी चिकित्सा पद्धति का लाभ मिल रहा है। एनएम और जीएनएम के माध्यम से हम लोग करने जा रहे हैं, जिससे कि गांव में जो गरीब हैं, निर्धन हैं, वृद्ध हैं, जो चिकित्सालय तक नहीं जा पा रहे हैं, उनको उनके घर तक आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति की दवाएं पहुंचाने का हम लोग प्रचार प्रसार कर रहे हैं। शुरू से प्रारंभ से ही योगदान रहा है, जो भौतिकवाद से मोक्ष की तरफ या लौवाद से देह की तरफ जो है उसके स्वस्थीकरण की तरफ ले जाता है, न रोगाणाम न दोषाणाम, यानी जिसमें रोग और दोष की बिना परिकल्पना किए हम रस औषधियों का प्रयोग कर सकते हैं। आज आभारी हूँ, धन्यवाद देता हूँ। आगे बढ़ाते हुए आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महाराज जी से मैं निवेदन करूंगा कि स्वास्थ्य आस्था और अनुराग का भाव रखने वाले सभी उपस्थित महानुभाव, कल धनवंतरी जयंती है, मैं आप सबको धनतेरस की हृदय से बधाई देता हूं और अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। संपूर्ण आरोग्यता, यह भारत की इस प्राचीन स्वास्थ्य पद्धति के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है। भारत के पास ज्ञान विज्ञान का एक अथाह भंडार विरासत में प्राप्त हुआ है, लेकिन अपने ज्ञान विज्ञान की इस विरासत का जानकारी के अभाव में समुचित उपयोग हम नहीं कर पाए हैं। स्वास्थ्य सुविधाओं की बात करते हैं, आजादी के बाद हर क्षेत्र में काफी परिवर्तन हुआ, लेकिन बढ़ती हुई आबादी के अनुपात में विगत 4-4.5 वर्षों के अंदर जो कार्य हुआ वह अत्यंत ही अतुलनीय है, सराहनीय है और अभिनंदनीय है। योग की परंपरा को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिलना, आयुष अपने आप में एक मंत्रालय के रूप में देश के अंदर सफलतापूर्वक कार्य करना, वेलनेस सेंटर के रूप में प्रत्येक गांव और कस्बे में स्वास्थ्य के प्रति व्यापक जागरूकता का एक नया अभियान चलाना, अलग अलग चिकित्सा पद्धतियों के माध्यम से संपूर्ण आरोग्यता के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में जो कार्य हुआ उस कार्य में भारत की परंपरागत चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद की बड़ी भूमिका हो सकती है और मुझे लगता है कि आयुर्वेद से जुड़े हुए जो वैद्यगण हैं, चिकित्सकगण हैं, सबसे पहले उन्हें इसके बारे में स्वयं तैयार होना होगा। मेरा यह मानना है कि देश के अंदर जब मेडिकल टूरिज्म की हम बात करते हैं, जो आयुर्वेद योग और नेचुरोपैथी को मिलाकर के एक संपूर्ण
स्वास्थ्य पद्धति का निर्माण करते हुए हम पूरी दुनिया को भारत के पास संपूर्ण आरोग्यता के लिए एक मंच उपलब्ध करा सकते हैं। व्यापक कार्य हो सकता है, सरकार अपने स्तर पर प्रयास कर रही है, निजी संस्थाओं को और खासतौर पर आयुर्वेद से जुड़े हुए वैद्य और चिकित्सकों को इस दिशा में नए प्रयास किए जाने की आवश्यकता है, क्योंकि वह सब कुछ आपके पास मौजूद है। लेकिन याद रखना, कोई नदी या कोई जल जब अपने निरंतर प्रवाह को बनाए रखती है तो वह सदा निरा बनी रहती है, लेकिन अगर उसमें ठहराव आ गया और उसको निरंतर सफाई करने की उचित व्यवस्था न हो तो जल में सड़न होने लगती है और एक समय के बाद उसके सामने सूखने जैसी स्थिति पैदा हो जाती है। आयुर्वेद कहीं ना कहीं इस जड़ता का शिकार हुआ है। पहले तो आयुर्वेद के चिकित्सक ही अपने को आयुर्वेद का बोलने से संकोच करते हैं, दूसरा आयुर्वेदिक पद्धति के माध्यम से उत्तम आरोग्यता कैसे प्रदान की जा सकती है इसके बारे में जो प्रयास होने चाहिए उस दिशा में उन प्रयासों के बारे में समय समय पर अपने अनुभवों को नोट करना और फिर आवश्यकता आने पर उसको समाज के सामने भी व्यक्त करना। इसके साथ क्या नयापन हम दे सकते हैं जिसके माध्यम से हम इस पद्धति को एक बेहतरीन स्थान प्रदान कर सकें? यह आदि चिकित्सा पद्धति है, देवदानों संघर्ष से समुद्र मंथन के फलस्वरूप उपलब्ध परंपरा से हमें प्राप्त हुई है। दुनिया के पहले शल्य चिकित्सक के रूप में सुश्रुत को दुनिया मान्यता देती है, लेकिन हम हैं कि अपनी ही पद्धति को हम अपने यहां मान्यता देने को तैयार नहीं हो पाते। हर गांव में इसकी व्यवस्था हो सकती है, हर शहर में हो सकती है, व्यक्ति के अंदर उस प्रकार की इच्छा शक्ति हो, उस इच्छा शक्ति के अनुरूप परिणाम देने की क्षमता हो, और जब हम उस प्रकार की क्षमता देने का प्रयास करेंगे, लोगों के सामने उदाहरण प्रस्तुत करेंगे, तो उसके परिणाम भी उसी रूप में हम सबके सामने आएंगे। इस देश के अंदर मेडिकल टूरिज्म की जब बात होती है, कॉर्पोरेट हॉस्पिटल का इतिहास कितने दिनों का है? 15 से 20 वर्ष से ज्यादा पुराना नहीं है, लेकिन आयुर्वेद का इतिहास इससे पुराना है। और पहला मेडिकल टूरिज्म भारत के अंदर आयुर्वेद और नेचुरोपैथी के माध्यम से भारत में आया। दक्षिण भारत ने इस दिशा में बेहतर प्रयास किया, उन लोगों ने इस दिशा में जो प्रयास किए उसके परिणाम भी उन्हें प्राप्त हुए, लेकिन उत्तर भारत में जो प्रयास होने चाहिए वो उतने सार्थक नहीं थे, उतने प्रभावी नहीं थे, और उसका परिणाम रहा कि हम इसमें पिछड़ते गए। आज एक अवसर है हम सबके सामने, जब हम भारत की इस प्राचीन पद्धति को एक बार पुनर्जीवित करते हुए आम जन की संपूर्ण आरोग्यता में इसका उपयोग कर सकते हैं। और धन्वंतरी जयंती, जो स्वास्थ्य के आदिदेव है, वह हमें इस जयंती के अवसर पर मुझे लगता है कि हम सबको इस बात का संकल्प लेकर के भगवान धन्वंतरी
के प्रति अपनी श्रद्धा को व्यक्त करना चाहिए। ढेर सारी संभावनाएं हैं। गांव में हमें जाकर के प्रयास करना चाहिए उन जड़ी बूटियों के बारे में, उन कार्यक्रमों के बारे में, गांव की देसी नुक्सों के बारे में जो चुटकी में छोटी छोटी बीमारियों को समाप्त करने के पहले से ही लोगों के पास उस प्रकार की पद्धतियां रही हैं। इन सबको समेट करके हम एक बृहद स्वरूप इसको दे सकते हैं, लेकिन इसके लिए इच्छा शक्ति की आवश्यकता है। इसके लिए इस पद्धति के प्रति आयुर्वेद के साथ साथ सामान्य जन के मन में एक सम्मान और समर्पण का भाव होना आवश्यक है। और मुझे विश्वास है कि आज यहां पर आयुर्वेद से जुड़े हुए कुछ विशेषज्ञ दिखाई दे रहे हैं, ये सभी लोग मिलकर के इस दिशा में प्रयास करें, कुछ नयापन लाने का प्रयास करें। शासन की योजनाओं के साथ जुड़ करके कैसे हम बेहतर प्रयास कर सकते हैं जिससे संपूर्ण आरोग्यता के लक्ष्य को भी प्राप्त किया जा सके, और साथ ही साथ इस पद्धति को अधिकाधिक उपयोगी बना करके अन्य लोगों को भी हम इसके प्रति, सामान्य जन को भी इसके प्रति आकर्षित कर सके। वे सारी की सारी संभावनाएं इसमें छुपी हुई हैं। उन संभावनाओं को आप सभी लोग मिलकर के आगे बढ़ाएंगे, इस विश्वास के साथ भगवान धन्वंतरी की जयंती की पूर्व संध्या में आयोजित इस कार्यक्रम के अवसर पर, केवल हम धन्वंतरी जयंती के अवसर पर पुष्पांजलि करने और धूप दीप जलाने तक सीमित न रखें, बल्कि आयुर्वेद के प्रति मनसा वाचा कर्मणा संपूर्ण अपने सभी प्रयासों से इस पद्धति को एक नई ऊंचाइयों तक ले जाने में हम सब सहयोगी बनेंगे। इस विश्वास के साथ आप सब के प्रति मैं धन्वंतरी जयंती की पूर्व संध्या पर हृदय से आप सबको धन्वंतरी जयंती धनतेरस की हार्दिक बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि स्वास्थ्य के देव भगवान धन्वंतरी हम सबके जीवन में आरोग्यता लाने के साथ साथ भारत की इस प्राचीन पद्धति के प्रति आम जन के मन में श्रद्धा का भाव प्रकट करेंगे। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं, धन्यवाद, जय हिंद। नायक जय हिंद भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्रविड़ उत्कल वंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा, तव सुमना में जागे तव शुभराशिष मांगे, गाहे तव जय गाथा जनगण मंगल दायक, जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे भारत।